तो हेलो गाइस, इसी का तुम्हारा भाई एकदम मजबूत अपडेट के साथ। तो आज हम बात करने वाले कैरी मिनाटी की बात। रिसेंटली कैरी मिनाटी ने अपना नया वीडियो लाया। अब उनकी जो नई वीडियो होती है वो पैरेडी वीडियो रहती है, जिसमें वो मोटिवेशनल स्पीकर्स को रोस्ट करते हैं एक तरीके से। अब उसमें अंकित बयानपुरिया, संदीप महेश्वरी, सदगुरु और भी मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं जिनको रोस्ट करते हैं। पर ये वीडियो आने के कुछ घंटों बाद ही कैरी मिनाटी को अलग तरीके से हेट पड़ने लगती है, वो भी क्यों? क्योंकि उन्होंने इस वीडियो में अंकित बयानपुरिया और सदगुरु को रोस्ट किया। अब बहुत लोगों का कहना है कि अंकित बयानपुरिया और सदगुरु, इनकी बहुत ज्यादा क्लीन इमेज है, तो इनकी पैरेडी बनाने की जरूरत? और सदगुरु तो एक रिलीजियस साधु भी हैं। अब इसी पे कुछ लोग अलग अलग तरीके के कमेंट कर रहे हैं, आप खुद भी देख सकते हो स्क्रीन पे। और भाई इस पे अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप देखेंगे तो मैं बोलता हूँ अंकित बयानपुरिया को रोस्ट कर दिया, चलो कर दिया, उनकी पैरेडी बना दी, पर सदगुरु का नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत रिलीजियस पर्सन है, बहुत लोग के रिलीजियस सेंटीमेंट उनसे जुड़े हुए हैं। तो भाई अगर तुम वैसे इंसान का अगर मजाक उड़ाने की कोशिश करोगे तो भाई कुछ लोग तो हर्ट होंगे। तो चलो अब इसी के बाद बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो कल अचानक से मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फेसबुक पेज पे एक स्टोरी लगती है, जो स्टोरी भाई अलग ही लेवल की रहती है, आप खुद भी देख लो, इसे अंदाजा लगा लो कैसी स्टोरी लगती है। अब इसी पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई फेसबुक पेज हैक हो गया या तो किसी ने जानबूझ के लगा दी। अब इसे लोगों का रिएक्शन देखो, सर ये स्टोरी में क्या डाल रखा है, टूरिज्म कहाँ है इसमें, स्टोरी के साथ साथ पूरा वीडियो भी डालना था, अकेले टूरिज्म से 6 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाती। तो चलो अब इसी के बाद करते बिग बॉस 17 के बारे में। तो रिसेंटली बिग बॉस 17 में मुन्नावर की बॉडी शेमिंग की जाती है। अब इसमें अनुराग और अंकिता लोखंडे और मेरे साथ मनारा रहती है, ये तीनों मिलके उनके बालों का मजाक उड़ाते हैं। तो अब इसी से मुन्नावर के फैंस खुश नहीं है और वो ट्रेंड चला रहे हैं कि स्टॉप बॉडी शेमिंग मुन्नावर। तो अब इसी के बाद बात करते हैं बिग बॉस 17 के एविक्शन के बारे में। तो इस बार जिग्ना वोरा एविक्ट हो चुकी है बिग बॉस 17 से। और इसी के साथ एक और अपडेट निकल के आ रही है कि अंजलि अरोरा इस बार वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वाली बिग बॉस 17 में। तो भाई अब ये कितना सच है कितना झूठ नहीं पता, पर हाँ बहुत रॉन्ग चांसेस है कि अंजलि अरोरा एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री बिग बॉस 17 में जाएगी। तो अब इसी के बाद बात कर रहे थे अभिषेक मलान के बारे में, मतलब अपने फुकरा इंसान के बारे में। तो रिसेंटली फुकरा इंसान को बहुत ज्यादा हेट मिल रही है। अब वो क्यों मिल रही है, क्योंकि रिसेंटली फुकरा इंसान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक वीडियो शेयर किया जो कि फैन एडिटेड वीडियो था। अब उस वीडियो में सोनम बाजवा और फुकरा इंसान शादी करते हुए दिख रहे हैं। अब इस वीडियो में सोनम बाजवा का फेस एडिट किया हुआ है, इसी वजह से बहुत लोग खुश नहीं, जिसमें लेडी खबरें लिखी हैं, डिड अभिषेक मलान रियली पोस्ट हिज स्टोरी, दिस फोटोशॉप पिक फ्रॉम हिज मैरिंग सोनम बाजवा, अनबिलीवेबल, इज डायरेक्ट अटैक ऑन सोनम एंड सिग्नल टू हिज फैंस टू अटैक ट्रोल सोनम बाजवा इवन मोर, इट्स अ क्राइम टू, फ्यू डेज बैक ही वाज टॉकिंग अबाउट डी फेक। अब डी फेक वीडियो के बारे में आप लोग को पता ही होगा, मैंने कुछ दिन पहले रश्मिका मंदाना का एक न्यूज कवर किया था जिसमें उनका एक डी फेक वीडियो गलत तरीके से यूज किया गया था। तो गाइस आखिर बस इतने, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे तो प्लीज लाइक जरूर मार देना। लाइक तो बोलने पे लाइक मारा कि नहीं, मारो यार।